असम में लाख जेहाद का खिलाफ काम कर रहा हूं। असम में हर मदरसा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मदरसा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मदरसा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओवैसी को बोला, आप क्या देख लेगा, उसको आपके घर में बुलाइए, मैं आपके घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए। और मुझे नहीं, ये नया भारत को भी देख लीजिए, जो ओवैसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मदरसा एक साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। भाई और बहनों, हमें सब लोग मिल के आज भारत को विश्व गुरु बनाना है। ही गिव्स एन इम्प्रेशन दैट इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, बट ही इज नॉट अ स्मार्ट पर्सन, because in one breath he says uniform civil code and in another breath he says about love jihad. How can you have uniform civil code and also laws against conversion or people getting married based on their choice? So that in itself clearly shows the hypocrisy of the Assam chief minister, that his hatred for a particular minority, Muslim minority community, comes out when he speaks in dual language.